हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास इलेवेंथ का मैथ। क्लास इलेवेंथ का मैथ में हम लोग स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ रहे थे। स्ट्रेट लाइन मतलब कि सरल रेखा। आप लोग जितना अभी तक पढ़ा है कॉन्सेप्ट वो सब देखिए और क्वेश्चन बनाने का कोशिश करिए कि जो भी क्वेश्चन आप लोगों को, जो भी कॉन्सेप्ट, देखिए मेन क्या है, मेन आप लोगों को कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना तो क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएगा। तो मेन कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझ जाएगा इसके बाद क्वेश्चन बनेगा। इसके पहले हम लोग ट्रिगो अच्छे से हम लोग कवर किए हुए हैं। इसमें भी अच्छे से सब पढ़ाया हुआ था। ट्रिग्नोमेट्री का टोटल बेसिक से लेकर हाई तक पढ़ाया हुआ है। यहाँ से भी आप लोग इसको कवर कर सकते हैं। सब प्लेलिस्ट में मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा वहां से आप लोग को मिल जाएगा ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। और देखिए, पहले सबसे पहले हम आप लोग बार बार बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए। जो भी उसमें कॉन्सेप्ट, जो भी उसमें थ्योरम, जो भी उसमें फॉर्मूला है वो पढ़ लीजिए। इसके बाद आप एक्सरसाइज के ऊपर उतरिए। एक्सरसाइज के ऊपर एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट रहेगा ना तो एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन छूटेगा नहीं। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आधा है तो फिर कोई फर्क नहीं, कोई फायदा नहीं होगा आगे बढ़ने से। तो हम लोग अभी स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे। स्ट्रेट लाइन में भी अच्छा खासा हम लोग पढ़े। स्ट्रेट लाइन में स्लोप निकालना सीखें और स्लोप निकालने के बाद फिर हम लोग उसको इक्वेशन, उस लाइन का इक्वेशन भी निकालना सीखें। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर एक्स इंटरसेप्ट रहेगा, वाई इंटरसेप्ट रहेगा तो क्या होगा। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पे इंटरसेप्ट मतलब होता क्या है। देखिए, इंटरसेप्ट कहने का मतलब है ना कि एक जगह से स्टार्ट हुआ और दूसरा जगह जाकर अधूरा। मतलब इंटरसेप्ट मतलब ही होता है अधूरा। इंटरसेप्ट मतलब अगर वाई इंटरसेप्ट कहीं पे बोले, देखिए तो ये एक्स एक्सिस रहेगा और ये वाई एक्सिस। वाई इंटरसेप्ट बोले तो हम लोग केवल और केवल वाई एक्सिस पे जो कट करेगा लाइन, वाई एक्सिस पे जो ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस पे जो कट करेगा केवल और केवल उसी का कोऑर्डिनेट लेना है। इसीलिए तो इंटरसेप्ट बोला है, स्पेशल नाम दिया हुआ है वाई इंटरसेप्ट। यानी वाई इंटरसेप्ट जैसे दोनों नहीं लेंगे, दोनों में से एक लेंगे, क्योंकि ये लाइन तो दो जगह कट कर रहा है, यहाँ पे भी कट कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट से हमको कोई मतलब नहीं है। अगर क्वेश्चन में बोल दिया है कि वाई इंटरसेप्ट लेना है तो वाई का कोऑर्डिनेट से हम लोग को मतलब रहेगा, ठीक है ना। तो ये y इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो y इंटरसेप्ट कितना यहाँ से बनेगा, सो देखिए यहाँ तो x का तो कुछ ना, x का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि x पे तो काट नहीं रहा, तो x जीरो होगा, x जीरो होगा और y तो कुछ होगा। y को हम लोग क्या लिख दे रहे हैं, c लिख दे रहे हैं, यानी जीरो और c। और यहाँ पे ये कुछ ना कुछ यहाँ पे एंगल बनाता है, कुछ ना कुछ ये m एंगल बनाएगा, एंगल m, m यानी m बराबर क्या होगा, थीटा, थीटा लिख दे रहे हैं, एम नहीं लिखते हैं, थीटा लिखते हैं। और इस तरह से दिया रहेगा वाई इंटरसेप्ट। अब बोलेगा कि इस लाइन का, ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन बनाइए। ये तो वाई इंटरसेप्ट फॉर्म हुआ। और यहीं से फिर अगर एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म बोले तो एक्स इंटरसेप्ट ऐसे हम लोग काट सकते हैं ये वाला लाइन, या फिर नीचे से भी ऐसे काट सकते हैं ये वाला लाइन को। केवल और केवल यहाँ एक्स इंटरसेप्ट बोले तो एक्स का कोऑर्डिनेट से हम लोग को लेना देना रहेगा। एक्स बराबर कुछ डी ले लेंगे और वाई तो जीरो ही रहेगा, तो डी और जीरो हो जाएगा। अब इस लाइन का इक्वेशन कैसे बनता है वो देखिए। और ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरसेप्ट फॉर्म बहुत काम का है, दोनों याद रखना है। वाई इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन कैसे बनता है और एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन कैसे बनता है। तो सबसे पहले देखिए, तो हम आप लोग को एक क्वाड्रेंट बना देते हैं। यहाँ से ऐसे है और यहाँ से ऐसे, यहाँ पे जीरो रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग y इंटरसेप्ट करेंगे, y इंटरसेप्ट का इक्वेशन बनाएंगे। तो देखिए, y इंटरसेप्ट मतलब ये ऐसे कहीं कट करेगा यहाँ पे, ये क्या है, ये है x एक्सिस और ये वाला क्या है y एक्सिस, और यहाँ पे ये ओरिजिन है। और हम लोगों को क्या जरूरी है कि y इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन निकालना है, मतलब इक्वेशन ऑफ y इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ लिख दें इक्वेशन ऑफ y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट फॉर्म, जहां पे भी y को कट कर रहा है उस लाइन का उस लाइन का इक्वेशन निकालना। तो इसका अगर हम लोग लिखते हैं क्या, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x बराबर जीरो हो जाएगा और y बराबर क्या हम लोग लिख दें, c लिख दें, कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा दिक्कत नहीं है। तो c लिख दें ताकि कॉन्स्टेंट का एक नाम रहे और क्या। अब यहां से देखते हैं कि यहां से हम लोगों को क्या इक्वेशन इससे मिलता है। तो इक्वेशन वाला फॉर्म हम लोग क्या जानते हैं, इक्वेशन का फॉर्म, अगर उसमें हम लोग इसका जस्ट पहले पढ़े थे कि वन पॉइंट फॉर्म
अगर इक्वेशन हम लोग को निकालना है तो उसका इक्वेशन हम लोग कैसे निकालेंगे सो देखिए, क्या हम लोग वहाँ फॉर्मूला लगाते थे एम बराबर वाई माइनस वाई, देखिए है सब सेम है एक्स माइनस एक्स, बस केवल नाम दे दिया, किसी को अलग नाम दे दिया किसी को अलग, जैसे हम लोग पढ़ते थे ना क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज, इसी का देखिए बहुत सारा, जैसे इंसान है, इंसान को ना डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में बांटा गया, एक गरीब होता है, एक क्या होता है अमीर होता है, एक क्या होता है किसान होता है, एक क्या होता है एक बिजनेसमैन होता है, एक क्या होता है सरकारी नौकरी वाला बाबू रहते हैं, और एक क्या रहते हैं मतलब ये देखिए ये सब क्या है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में बांट दिया गया, लेकिन सब क्या है सब तो इंसान है, उसी तरह ये भी है स्ट्रेट लाइन ही, लेकिन उसको क्या किया गया डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में उसको बांट दिया गया, कभी इधर से करता है तो कभी उधर से तो कभी उधर से। तो यहां से इक्वेशन इसको निकालते हैं, एम बराबर देखिए y माइनस वाई वन, देखिए एक्स वन जीरो रहेगा, y1 क्या रहेगा y माइनस सी बटा x माइनस एक्स वन क्या रहेगा जीरो, तो ये जीरो यहाँ लिख दे रहा है मतलब ये खत्म हो जाएगा, खत्म ये इसका काम खत्म। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से क्या रहेगा एम एक्स बराबर वाई माइनस सी, इस सी को इधर ले आते हैं तो y बराबर हम लोग को क्या मिलेगा एम एक्स प्लस सी, यही है हम लोग का क्या इक्वेशन, मतलब कि अगर y इंटरसेप्ट फॉर्म हम लोग को कहीं मिले, कहीं भी y इंटरसेप्ट इक्वेशन हम लोग को क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि एक कोई लाइन है उस लाइन का स्लोप, यानी स्लोप मतलब m, यहाँ देखिए m बराबर क्या स्लोप है लिख दे रहे हैं, m बराबर क्या स्लोप, ये क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि एक लाइन का इक्वेशन बनाइए उस लाइन का स्लोप कितना दिया हुआ है, स्लोप कुछ दिया हुआ है और वो क्या है वो y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट में कुछ अपना इसका कोऑर्डिनेट दे देगा और वहां से हम लोग इसको सॉल्यूशन करके बना लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ ये y इंटरसेप्ट फॉर्म का था, अभी हम लोग देखेंगे कि अगर x इंटरसेप्ट रहे तो उसका इक्वेशन क्या बनेगा। तो ये y इंटरसेप्ट याद रखना है फॉर्मूला क्या होता है, y बराबर एम एक्स प्लस सी, जहां पे y बराबर क्या y और x ये तो इक्वेशन बनाने के लिए दिया हुआ है क्योंकि इक्वेशन x और y के टर्म में रहता है, ये तो ठीक है। और m बराबर यहाँ से क्या है m बराबर है स्लोप, कि ये कितना झुका हुआ है झुका, अगर m डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, अगर यहाँ थीटा दे दिया तो m बराबर tan थीटा लेकिन निकाल के और यहाँ tan थीटा का वैल्यू पुट करके m बराबर यहाँ से भी निकाल सकते हैं। और c बराबर क्या है ये c बराबर एक कांस्टेंट वैल्यू है और क्या कांस्टेंट वैल्यू है, यही ना कांस्टेंट है, यही ना c है मतलब कोऑर्डिनेट का एक पार्ट, ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो y इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया, अब आते हैं x इंटरसेप्ट फॉर्म में, देखिए इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आते हैं क्या x इंटरसेप्ट फॉर्म, इसके बाद फिर क्वेश्चन इसे करेंगे कि देखेंगे कि इससे किस किस टाइप का क्वेश्चन हम लोग को पूछ सकता है। अब देखिए अब x इंटरसेप्ट फॉर्म कैसा रहेगा ऐसे, तो अभी हम लोग क्या करेंगे y इंटरसेप्ट फॉर्म में y को हम लोग कट किए थे, अभी x इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे x एक्सिस को ऐसे कट करेंगे यहाँ पे, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हम लोग को मिलेगा, तो x बराबर तो कुछ मिलेगा लेकिन y बराबर क्या हो जाएगा जीरो, तो x बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं इसमें d और y बराबर जीरो, d और जीरो माने हैं, ध्यान रखना है d और जीरो, ये x एक्सिस है ये y एक्सिस, यहाँ बीच में ओरिजिन। अब यहाँ से भी इक्वेशन निकालते हैं, अभी हम लोग क्या लिखेंगे x इंटरसेप्ट फॉर्म, x इंटर cept x इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक ना x इंटरसेप्ट फॉर्म है, तो यहां से निकालते हैं इक्वेशन क्या है m बराबर, इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है m बराबर y माइनस वाई वन बटा x माइनस एक्स वन, यही ना होता है इंटरसेप्ट का फॉर्म, यहाँ से निकालते हैं इसका इक्वेशन बनाते हैं, एम बराबर वाई को वाई रहने देते हैं वाई वन यहाँ से देखिए वाई वन बराबर क्या होगा जीरो बटा एक्स माइनस एक्स वन बराबर क्या मिलेगा डी, यानी एक्स माइनस डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा एम एक्स माइनस डी बराबर क्या मिलेगा वाई, तो इसीलिए हम लोग को यहाँ से क्या इक्वेशन मिला वाई बराबर एम एक्स माइनस डी। देखिए यहां से क्या मिला, अगर x इंटरसेप्ट फॉर्म हम लोग को दिया हुआ रहेगा तो क्या हम लोग को इक्वेशन मिलेगा y बराबर m इंटू एक्स माइनस डी, एक्स माइनस डी, और अगर यही ये x इंटरसेप्ट फॉर्म था, अगर यही y इंटरसेप्ट फॉर्म रहता तो y इंटरसेप्ट में क्या मिलता y बराबर mx प्लस
सी, तो दोनों का अलग अलग है। तो ये किसका इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये वाई इंटरसेप्ट फॉर्म का ये इक्वेशन है और ये एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन है। वो एक्स एक्स इंटरसेप्ट में क्या रहे मिलेगा हम लोग को, वाई बराबर एम एक्स माइनस डी, एम बराबर यहां भी क्या रहेगा स्लोप रहेगा, एक्स एक्स हम लोग का इक्वेशन फॉर्म रहेगा। और ये डी क्या है, ये डी ओरिजिन से कितना दूर पर ये लाइन को कट कर रहा है, वो वाला डिस्टेंस क्या है, वो वाला डिस्टेंस डी है। तो एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म और वाई इंटरसेप्ट फॉर्म दोनों हो गया है। द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विथ स्लोप एम एंड वाई इंटरसेप्ट सी, यानी वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट ऊपर सी पर कट करता था तो उसका इक्वेशन क्या मिलता था, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। और क्या बोलता है कि वैसा लाइन जिसका स्लोप क्या है, जिसका ढलान एम है और वो एक्स एक्सिस पे डी इंटरसेप्ट कर रहा है यानी डी पे काट रहा है, तो उस लाइन का इक्वेशन क्या मिलेगा, वाई बराबर एम इंटू एक्स माइनस डी। तो दोनों का स्लोप क्या है, अलग अलग मिल गया हम लोग को। अब देखिए, अब यहां से क्वेश्चन किस तरह से आप लोग से पूछ सकता है, देखिए यहां से क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह से रहता है। यहां से इसको देखिए, क्वेश्चन का पैटर्न ज्यादा हार्ड नहीं रहता है लेकिन हाँ बीच बीच में कहीं कहीं ना क्वेश्चन घुमाता है, कहीं कहीं क्वेश्चन घुमाएगा तो फिर उसको वहां पे सोचना पड़ेगा। तो हर एक टाइप का क्वेश्चन हम आप लोग को करवा देंगे ताकि कोई कहीं भी कोई भी क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन हुज स्लोप इज, स्लोप स्लोप हम लोग को दिया हुआ है, स्लोप मतलब एम बराबर हम लोग को दिया हुआ है कितना, 1/2। और बोल रहा है कि एंड वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू क्या है, वाई इंटरसेप्ट है INTERCEPT, y इंटरसेप्ट इक्वल टू हम लोगों को क्या दिया हुआ है, y इंटरसेप्ट इक्वल टू -5/4। y इंटरसेप्ट बराबर हम लोगों को क्या दिया हुआ है, -5/4। इसका मतलब समझे, y इंटरसेप्ट मतलब कि -5/4 कहने का मतलब कि ये वाला ये y को ऐसे काट रहा है, इस जगह पे हम लोग का वैल्यू दिया हुआ है x बराबर तो 0 होगा, x तो 0 ही होगा क्योंकि y को काट रहा है, और y बराबर क्या दिया हुआ है, -5/4। इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग को देगा। तो यहाँ से स्लोप निकालना है, y इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन, y सॉरी इक्वेशन निकालना है, तो y इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन क्या होता है, y बराबर क्या होता है, एम एक्स प्लस सी। और इसको हम लोग क्या लिए थे, सी, यानी वाई इंटरसेप्ट जहां पे भी दिया हुआ रहेगा तो वहां पर हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे सी बराबर क्या, -5/4। इसको हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं यहाँ पे, वाई बराबर वाई रहेगा, एम बराबर क्या रहेगा, 1/2, एक्स एक्स रहेगा, प्लस सी बराबर क्या है, -5/4। तो यहाँ माइनस हटेगा, प्लस हटेगा तो डायरेक्ट माइनस से लिख दे रहा है, -5/4। अब इसको नीचे से क्या करना है, हटाना होगा, तो नीचे से हटाना है होगा तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड एल एच एस और आर एच एस में चार चार से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो इन्हीं चार से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ चार से यहाँ चार से, तो यहाँ क्या होगा, 4y हो जाएगा बराबर, चार से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 यानी 2x माइनस यहाँ क्या मिलेगा, 5। यानी हम लोग को इक्वेशन क्या मिला, 2x इस y को एन ए ले आते हैं तो 2x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। यही हम लोग का क्या है, यही हम लोग का इक्वेशन मिलेगा। किसका इक्वेशन ये हम लोग का मिला कि जिसका वैसा लाइन जिसका स्लोप क्या है, स्लोप 1/2 है और उसका इंटरसेप्ट कितना, -5/4। इंटरसेप्ट कहने का मतलब कि अधूरा, अधूरा कोऑर्डिनेट मिलेगा हम लोग को, अधूरा कोऑर्डिनेट कहने का मतलब कि एक जीरो में अगर वाई एक्सिस को काटेगा तो एक जीरो मिलेगा और दूसरा कुछ वैल्यू मिलेगा, एक्स एक्सिस को भी काटेगा तो एक जीरो मिलेगा और दूसरा कुछ वैल्यू मिलेगा। और ऐसे हम लोग का क्या रहता था कि ऐसे बीच हम लोग का ऐसे क्या रहता था, कहीं बीच से ऐसे लाइन है यहाँ से गुजर रहा है तो इस जगह पे लाइन क्या होता था कि दोनों जगह यहाँ इसका इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दोनों मिलता था, एक्स का भी वैल्यू मिलता था वाई का भी वैल्यू मिलता था, लेकिन यहाँ डायरेक्ट एक्स एक्सिस सॉरी डायरेक्ट वाई एक्सिस और डायरेक्ट एक्स एक्सिस को ही काट रहा है जिसके चलते आधा अधूरा कोऑर्डिनेट मिलता है, यानी एक जीरो मिलता है तो एक उसका वैल्यू मिलता है, इसीलिए इसको इंटरसेप्ट बोला गया। इंटरसेप्ट मतलब कि अधूरा ही होता है, तो अगर y इंटरसेप्ट बोले तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो इक्वेशन हम लोग को क्या मिला, 2x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0।
इसी तरह से आगे देखिए, यहाँ तो हम लोगों को डायरेक्ट स्लोप दे दिया, लेकिन जैसे जैसे आगे हम लोग क्वेश्चन में बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोगों को स्लोप नहीं देकर हम लोगों को क्या दे देगा, एंगल दे देगा। अच्छा अभी हम लोग वाई इंटरसेप्ट पढ़ें और फिर हम लोग एक्स इंटरसेप्ट पढ़ें। कभी कभी एक और कंडीशन होता है कि वाई और एक्स दोनों को इंटरसेप्ट यानी दोनों को कट करते हैं, तो वो भी हम लोग देखते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। एक ही बार उसका भी कॉन्सेप्ट बताइए देते हैं, इसके बाद फिर दोनों को मिक्सअप करके अच्छे से क्वेश्चन करवा देंगे। समझे, तो दोनों को मिक्सअप करके ही हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे। तो थर्ड कंडीशन हम लोग को क्या होता है कि एक्स एक्सिस को भी इंटरसेक्ट कर रहा है और वाई एक्सिस को भी इंटरसेक्ट कर रहा है। देखिए वो किस तरह से उसका फिगर बनेगा, सो ऐसे रहेगा, यहां से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो देखिए यहां से एक्स एक्सिस को भी काटेगा और वाई एक्सिस को भी काटेगा, यहाँ पे भी ये कट कर रहा है और यहाँ पे भी ये कट कर रहा है। देखिए अब यहाँ ये हम लोग का एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस, तो यहाँ पे भी देखिए इंटरसेप्ट यहाँ भी बन रहा है। यहाँ पे भी एगो का कोऑर्डिनेट जीरो होगा, एगो का कोऑर्डिनेट का वैल्यू होगा, यहाँ पे भी देखिए जीरो एगो का वैल्यू होगा। तो एक्स का देखिए, एक्स का क्या क्या वैल्यू है, एक्स में एक्स एक्स एक्सिस का कुछ वैल्यू होगा, तो इसको हम लोग मान लेते हैं ए और जीरो, ठीक, ए और जीरो। वाई एक्सिस में क्या करेंगे, एक्स तो जीरो होगा, शुरू में एक्स लिखते हैं और वाई बराबर क्या लिखते हैं, बी, यानी वाई एक्सिस पे बी इंटरसेप्ट फॉर्म बी इंटरसेप्ट है और एक्स एक्सिस पे क्या ए इंटरसेप्ट है, यहाँ पे क्या रहेगा ओरिजिन रहेगा। फिर से देखिए वाई एक्सिस पे बी इंटरसेप्ट है और एक्स एक्सिस पे ए इंटरसेप्ट है। अब इसका हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन कैसे बनेगा, वही जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे जो टू पॉइंट फॉर्म वाला इक्वेशन है, क्योंकि अभी क्या कर रहा है देखिए दो पॉइंट पे कट कर रहा है। तो टू पॉइंट फॉर्म वाला इक्वेशन क्या होता था, वाई माइनस वाई वन बट्टा एक्स माइनस एक्स वन। देखिए जो भी पीछे पढ़े उसी से रिलेट करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वाई टू माइनस वाई वन बट्टा एक्स टू माइनस एक्स वन। इसीलिए हम आप लोगों को बोलते हैं कि क्लास जो भी करते हैं वो स्टार्टिंग से देखिए, स्टार्टिंग से ना अच्छा समझ में आएगा, नहीं तो अगर बीच बीच से देखिएगा ना तो कुछ नहीं समझ में आएगा। अच्छा से आप लोगों को पढ़ा दे रहे हैं, कोई कहीं पे दिक्कत नहीं हो रहा। वाई माइनस वाई वन देखिए, अब इसमें से एक्स वन वाई वन आप किसी को भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वाई माइनस वाई वन नीचे वाला से ये स्टार्ट करते हैं, ये एक्स वन मान लेते हैं, ये वाई वन मान लेते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं एक्स टू और वाई टू मान लेते हैं। तो वाई माइनस वाई वन बराबर क्या होगा, जीरो, बटा नीचे क्या होगा एक्स माइनस एक्स वन बराबर क्या मिला ए, बराबर यहां से क्या मिलेगा, सो देखिए वाई टू, वाई टू कहाँ है, यहाँ वाई टू है बी, बी माइनस वाई वन कितना है जीरो, बराबर एक्स टू, एक्स टू क्या है जीरो और नीचे क्या है एक्स, एक्स टू माइनस एक्स वन यानी जीरो माइनस एक्स वन, तो जीरो माइनस एक्स वन। तो देखिए ये यहाँ से जीरो खत्म हुआ, तो यहाँ एक्स वन बचेगा, यहाँ पे ये जीरो, यहाँ पे भी ये खत्म हुआ इसको इसका पहले, तो यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर यहाँ पे भी ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये सब क्या हो गया अब खत्म हो गया। तो बचा हम लोगों को क्या, वाई बटा एक्स माइनस ए बराबर बी बटा माइनस एक्स, यहाँ एक्स बचेगा माइनस एक्स, क्योंकि जीरो जीरो था तो सब हटा दिए। आप लोग एक स्टेप बढ़ जाइएगा, नीचे कर लीजिएगा एक स्टेप, तो वहां से हो जाएगा फर्स्ट। अब यहां से क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा यहाँ देखिए एक्स बराबर यहाँ था जी वैल्यू, एक्स बराबर ए था, तो यहाँ एक्स बराबर क्या करेंगे ए माइनस ए रहेगा, यहाँ पे माइनस ए रहेगा, ठीक ना, क्योंकि एक्स टू माइनस एक्स वन था ना, एक्स टू तो देखिए एक्स टू जीरो है, तो माइनस एक्स वन ए होगा, तो ए होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस वाई ए बराबर क्या करेंगे हम लोग बी एक्स माइनस बी ए, यहां से b से इस दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हम लोग को मिलेगा bx एक्स माइनस बी ए। अब इस a को bx एक्स माइनस बी ए, अब सोचिए इस b a को हम लोग इधर ले आते हैं और इस y a को हम लोग क्या करते हैं इधर ले आते हैं, दोनों तरफ मतलब कि प्लस प्लस कर देते हैं। जैसे देखिए इस बी ए को इधर ले आते आ जाएंगे तो ये इधर माइनस से आने के बाद प्लस में हो जाएगा, बराबर ये बी एक्स यहाँ ही रहेगा, इस माइनस ए को इधर है, माइनस वाई ए को इधर ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा वाई ए। अब बोथ साइड में हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ क्या है ए है, तो बोथ साइड में हम लोग ए बी से भागा दे देते हैं, यहाँ भी ए बी से भाग दे देते हैं, यहाँ भी ए बी से, यहाँ भी ए बी से, तो देखिए तो क्या कटेगा, ये ए से ये खत्म हो जाएगा, ये बी से ये बी खत्म हो जाएगा, ये सॉरी ये तो पूरे खत्म हो जाएगा, ए बी बटा ए बी यहाँ तो पूरे खत्म हो गया। तो मिला हम लोगों को क्या, हम लोगों को मिला एक्स बटा ए यानी एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी
वाई बटा बी बराबर वन, ये हम लोगों को इक्वेशन हम लोग यहाँ से मिला। तो अगर दोनों को दोनों जगह इंटरसेप्ट हो रहा, दोनों जगह इंटरसेप्ट करेगा यानी एक्स एक्सिस पे भी इंटरसेप्ट करेगा, ध्यान रखिएगा एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट फॉर्म यहाँ पे क्या है ए है, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पे बी है। तो अगर दोनों पे भी एक्स और वाई एक्सिस दोनों पे इंटरसेप्ट करेगा तो ध्यान रखना है एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर क्या इक्वेशन बनता है वन। इस ये चीज बहुत जगह पूछता है, ये बहुत जगह पूछेगा कि अगर दोनों जगह इंटरसेप्ट करेगा तो उसका इक्वेशन क्या बनेगा, तो एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर वन। ध्यान रखना है इस जगह पे, ध्यान रखना है ए किसका इंटरसेप्ट फॉर्म है, ए है एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट फॉर्म है, और बी किसका इंटरसेप्ट फॉर्म है, बी वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट फॉर्म है। इसको गौर करना है सबको, नहीं तो यहाँ पे भूल जाइएगा। तो तीन वो फॉर्म बता दी, एक इक्वेशन हम लोगों को क्या मिला वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, ये कब मिलेगा जब वाई इंटरसेप्ट फॉर्म रहेगा तब। एक हम लोगों को क्या मिला वाई बराबर एम एक्स माइनस डी, ये कब हम लोगों को मिलेगा जब एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट फॉर्म रहेगा तब, यानी एक्स एक्सिस को काटेगा। और एक हम लोगों को क्या मिला ये वाला एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर वन, ये कब मिलेगा जब दोनों पॉइंट पे इंटरसेप्ट हो तब हम लोग को क्या इक्वेशन मिलेगा x बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर माइनस वन। समझे, तो आपको सब इंटरसेप्ट फॉर्म आप लोगों को पढ़ा दिए, तीनों इंटरसेप्ट फॉर्म, और तीनों को इंटरसेप्ट आप लोगों को पढ़ना ही है, तीनों को इंटरसेप्ट पढ़ना, और तीन को ही हो ही सकता है और कुछ नहीं मिलेगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं यहाँ से किस किस टाइप का इक्वेशन, किस किस टाइप से हम लोग को क्वेश्चन देगा और किस किस टाइप से बोलेगा कि उस लाइन का इक्वेशन बनाइए। हर एक टाइप का क्वेश्चन हम आप लोग को बताएंगे, एक भी टाइप का क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, आज नहीं इसका दो क्लास होगा, समझे, दो क्लास में इसको हम लोग खत्म करेंगे। आज थोड़ा सा कुछ कुछ जैसे अभी एक क्वेश्चन बताए तो एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसके बाद फिर बनाते हैं आगे, समझे। देखिए सेकेंड किस तरह से हम लोगों को दे सकता है, सेकेंड क्वेश्चन किस तरह से, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि डायरेक्ट एम बराबर कुछ दिया हुआ था, वन बटा टू दिया हुआ था, और बोला कि वाई इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था, वाई इंटरसेप्ट था माइनस पांच बटा चार था, माइनस पांच बटा चार। तो यहाँ पे एम और वाई इंटरसेप्ट फॉर्म हम लोग को दिया। अब देखिए सेकेंड में हम लोगों को किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, बोलेगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इंटरसेप्ट द वाई एक्सिस। सबसे पहले ही हम लोग को बोल दे रहा है इंटरसेप्ट किसको कर रहा है, y एक्सिस को ही इंटरसेप्ट कर रहा है, यानी y एक्सिस पे हम लोग क्या लेते थे, सो देखिए y एक्सिस पे यहाँ हम लोग क्या लेते थे, जीरो और c लेते थे, ठीक ना। तो यानी y एक्सिस पे जीरो c, यानी y इंटरसेप्ट फॉर्म है एट ए डिस्टेंस ऑफ थ्री यूनिट एबव द ओरिजिन, यानी ओरिजिन से कितना ऊपर है, तीन यूनिट, ओरिजिन से तीन यूनिट ऊपर है, यानी सी बराबर यहाँ हम लोग कहाँ मिल जाएगा, सी बराबर जीरो, सॉरी सी बराबर तीन में मिलेगा क्योंकि वाई इंटरसेप्ट है। तो ये कितना ऊपर काट रहा है, थ्री यूनिट ऊपर काट रहा है, तो सी बराबर हम लोग को क्या मिलेगा थ्री, वाई बराबर तो यहाँ जीरो होगा। एंड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पोजिशन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, और बोलता क्या है एक्स एक्सिस लाइन पे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज, एकदम स्टार्टिंग में जाइए, एंटी क्लॉकवाइज जब घूमता है तभी तो हम लोग पॉजिटिव लेते थे, जब क्लॉकवाइज नीचे घूमता था ट्रिग्नोमेट्री में तो क्लॉकवाइज घूमता था तो वहां पे हम लोग एंगल निगेटिव लेते थे। तो यहाँ पे क्या बोलता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। अब बोलता है कि अब इस लाइन का इक्वेशन बनाइए। तो देखिए क्या क्या बोलता है, सबसे पहले थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, थीटा बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है, तो हम लोग को यहाँ से एम बराबर निकालना है। तो एम बराबर क्या आता है, टैन थीटा, थीटा बराबर 30 डिग्री, यानी टैन 30 डिग्री, टैन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, टैन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, वन बटा रूट थ्री, ठीक। तो एम बराबर निकल गया वन बटा रूट थ्री, और सी बराबर यानी वाई इंटरसेप्ट कर रहा है तो सी बराबर हम लोग को क्या मिलेगा, तीन, यानी यहाँ से हम लोग क्या मिल जाएगा, जीरो और तीन, जीरो और तीन। अब इक्वेशन बनाना है तो इक्वेशन बनाइए, तो वाई इंटरसेप्ट का इक्वेशन क्या होगा, वाई इंटरसेप्ट का इक्वेशन देखिए, इक्वेशन बराबर क्या होता है, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, तो y y ही रहेगा, m बराबर क्या मिलेगा हम लोग को, वन बटा रूट थ्री एक्स प्लस c बराबर क्या मिलेगा, c बराबर हम लोग को थ्री मिला। अब देखिए यहां से ऐसे भी कर सकते हैं, क्या कीजिए ना कि रूट थ्री को नीचे से हटा दीजिए, तो रूट थ्री को नीचे से हटाने के लिए दोनों साइड हम लोग को क्या करना होगा, रूट थ्री
मल्टीप्लाई करना होगा, या नहीं तो रूट थ्री एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ दोनों बोथ साइड एलएचएस और आरएचएस तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, रूट थ्री वाई बराबर, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे रूट थ्री खत्म, तो बचा क्या, यहाँ से एक्स बचेगा बराबर, सॉरी बराबर नहीं है प्लस, यहाँ क्या इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा क्या, थ्री रूट थ्री हम लोग को मिलेगा। तो अब यहाँ से इक्वेशन हम लोग को क्या मिल रहा है, इक्वेशन मिल रहा है इस एक्स को एक्स रखते हैं, इसको रूट थ्री वाई को इधर ले आते हैं, तो एक्स माइनस रूट थ्री वाई प्लस अपना ये प्लस में रहेगा थ्री रूट थ्री बराबर जीरो, यही हम लोग का क्या मिला, इस लाइन का इक्वेशन मिला, एक्स वाई और ये कांस्टेंट, यानी एक्स वाई और कांस्टेंट के टर्म में हम लोगों को इस लाइन का इक्वेशन मिला, यानी इस लाइन का ये जो स्ट्रेट लाइन है उसका इक्वेशन मिला। तो देखिए हम आप लोगों को बहुत पहले भी बताया था स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, यही है स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन, जो सबके लिए ए बराबर यहाँ क्या, ए बराबर वन है, बी बराबर यहाँ क्या है रूट थ्री है, सॉरी माइनस रूट थ्री है, सी बराबर क्या है थ्री रूट थ्री है, यही है हम लोग का स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे वो भी पढ़ेंगे कि स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होता है। तो एक इस तरह से क्वेश्चन आप लोग को दे सकता है कि एम बराबर, यानी एम बराबर डायरेक्ट वैल्यू नहीं देगा, यहाँ थीटा दे देगा और बोलेगा कि ओरिजिन से इतना ऊपर है, वाई इंटरसेप्ट करेगा तो वाई इंटरसेप्ट ले लेना, अगर एक्स इंटरसेप्ट बोलेगा तो बोलेगा कि ओरिजिन से राइट साइड की ओर इतना डिस्टेंस पे एक लाइन कट कर रहा है, तो उसका इक्वेशन आप लोग को बना देना है, ठीक ना। अब देखिए अब एक क्वेश्चन और देते हैं, वो क्वेश्चन क्या करना है आप लोग को बना के बताना है कि कितना उसका आंसर आएगा, एक क्वेश्चन आप लोग ना उसको आप लोग सॉल्यूशन कीजिएगा, देखते हैं कि कितना आंसर आप लोग को आता है, और फिर अगर आज नहीं बना, आज नहीं आप पर आप लोग आंसर दीजिएगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट दिन उसको अच्छे से कवर करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, हम क्वेश्चन शॉर्टकट में लिख रहे हैं, पूरा क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे दे नहीं रहे ना। देखिए क्या बोलता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, सबसे पहले क्या बोला कि हम लोग को क्या करना है, इक्वेशन को फाइंड करना, इक्वेशन को हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच कट ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ फोर यूनिट ऑन निगेटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस, देखिए क्या बोलता है, वाई एक्सिस यानी ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के नीचे निगेटिव डायरेक्शन में ऐसे कट कर रहा है, तो देखिए यहाँ से ऊपर भी कट कर सकता है, नीचे भी कट कर सकता है, तो यानी नीचे वाई डायरेक्शन वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, इसका मतलब कि वाई इंटरसेप्ट फॉर्म होगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे ही ना काट रहा है, चाहे ऊपर काटे चाहे नीचे काटे, और कितना नीचे काट रहा है, चार यूनिट, यहाँ ओरिजिन रहेगा, ओरिजिन से कितना नीचे काट रहा है, चार यूनिट काट रहा है नीचे, ऑन निगेटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस, और क्या बोलता है, एंड द मैक्स एंड एंगल ऑफ 120 डिग्री विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और बोलता है कि एंगल कितना बना रहा है, एंगल बना रहा है 120 डिग्री, कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे 120 डिग्री बना रहा है, और ये 120 डिग्री कौन सा डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो देखिए यहाँ पे ये है एक्स एक्सिस, इस एक्सिस पे ये लाइन आ रहा है, तो इस लाइन पे एंगल इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज कितना बन रहा है, 120 डिग्री, 120 डिग्री, तो इस लाइन का हम लोग का इक्वेशन क्या, इस लाइन का सॉरी इस लाइन का इंटरसेप्ट क्या मिलेगा, एक्स तो जीरो होगा और वाई बराबर क्या मिलेगा, नीचे आ रहे हैं तो नीचे तो माइनस फोर, जीरो और माइनस फोर हम लोग को मिलेगा, और यहाँ पे एंगल मिल गया, तो यहाँ से आप लोग को क्या करना, बता तो दिए सब हमें, तो यहाँ से आप लोग को क्या करना है कि एम बराबर पहले टैन थीटा लगाना है, टैन थीटा, थीटा की जगह 120 डिग्री, टैन 120 डिग्री, और आप लोग को निकालने के लिए हम बहुत सिखाए हैं, टैन 120 डिग्री, टैन 790 डिग्री, टैन 1000, 2000, 5000, 10000, कितना भी का भी वैल्यू हो आप लोग को सारा चीज निकालने के लिए सिखाए हैं, कहाँ, ट्रिग्नोमेट्री में, इसीलिए हम आप लोग को बोले थे कि ट्रिग्नोमेट्री हर एक चैप्टर में घुसेगा, हर एक चैप्टर में मिलेगा आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले यहाँ निकालना है एम बराबर कितना इसका वैल्यू आएगा, इसके बाद वाई इंटरसेप्ट का फॉर्म का इक्वेशन क्या होता है, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी पे उसको पुट कर देना है, तो यहाँ से हम लोग फिर क्या पुट करेंगे, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, तो वाई बराबर एम एक्स प्लस सी पर हम लोग पुट करेंगे और इसका आंसर ले आएंगे, सी बराबर यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, सी बराबर माइनस फोर, क्योंकि इंटरसेप्ट ये है तो सी बराबर भी माइनस फोर लेना है। अब केवल और केवल एम का वैल्यू पुट, एम का वैल्यू निकालना और इस इक्वेशन में, जनरल इक्वेशन में पुट कर देना, वाई इंटरसेप्ट का यही होता है, ठीक ना। तो आज हम लोग वाई इंटरसेप्ट के बारे में पढ़े, फिर अगले दिन हम लोग एक्स इंटरसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे और बोथ इंटरसेप्ट यानी बोथ जगह इंटरसेप्ट करेगा उसके बारे में पढ़ेंगे और वो सबका भी इक्वेशन निकालने के लिए सीखेंगे, ठीक। तो बस आज का क्लास को यहीं तक खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और आप लोगों को बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग पहले वाले भी वीडियो रिवीजन करते रहे, रिवीजन करने से कुछ घाटा नहीं होगा, आप लोगों को ही फायदा होगा, क्योंकि एक बार पढ़ लेने के बाद ना
नहीं कंटिन्यू पढ़िएगा तो भूल जाइएगा, ये सबके साथ होता है, इसीलिए रिवीजन करते रहना है। वीडियो देखते रहिए, जब कभी भी समय मिले आराम से वीडियो देख लीजिए, थोड़ा फास्ट ही करके देख लीजिए, लेकिन वीडियो देख लीजिए, इतना भी फास्ट करना जितना तक हम समझ सकें। ठीक, बस, थैंक यू, बाय।